ओम शांति बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों को। जो भी बाबा के बच्चे हैं, ये सेंटर जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कटरा माता वैष्णो देवी में बाबा का घर है। तो आज यहाँ पे बाबा के झंडे का प्रोग्राम था, तो मैं भी लेट पहुँचा था प्रोग्राम में। तो ये देखिए, ये है बाबा का घर, ये एड्रेस है, मैं आपको एड्रेस भी दिखा देता हूँ। जो भी कभी कटरा आएँ, जो भी बाबा के बच्चे माता वैष्णो देवी आएँ, बाबा के घर आना चाहें, तो ये एड्रेस है। तो इस एड्रेस पर आप जो भी ये मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इस पते पर संपर्क करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, बाबा के घर में ज़रूर पधारें। आप सभी का वेलकम है आपके अपने ही घर में। तो देखिए, मैं अभी आपको बाबा का पूरा घर दिखाता हूँ। ये देखिए, आज सजाया हुआ था, आज बाबा का झंडे का प्रोग्राम था। ये देखिए, यहाँ की क्लास चलती है, हॉल अभी यहाँ पे, ये है बाबा का, यहाँ पे मुरली चलती है रोज़। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाबा का कमरा। ये देखिए बाबा का कमरा, कितना खूबसूरत कमरा है बाबा का। बाबा के बच्चे जो भी देख रहे हैं, ये है बाबा का कमरा। ये है कटरा श्री माता वैष्णो देवी कटरा। कटरा के अंदर बाबा का घर है। जो भी कटरा आना चाहें, वो इस सेंटर पे संपर्क कर सकते हैं। बाबा के घर में, अपने घर में, आप सभी का अपना घर है। तो यहाँ पे आज बाबा का प्रोग्राम था। अच्छी खूबसूरत डेकोरेशन जो है बाबा के घर में झंडे के प्रोग्राम पे की गई है। ये देखिए बाबा का, ये बाबा के बच्चों ने आज फूलों से भोग सब, ये देखिए आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये है बाबा का घर। ये है, ये देखिए, ये है बाबा के घर के पीछे, ये है गार्डन है। तो यहीं पे जो भी लंच चल रहा था, यहीं पे चल रहा था, जो भी बाबा का भोग था, ब्रह्मा भोजन यहीं पे ही सर्व किया गया आज। तो ये कटरा के अंदर बिल्कुल शहर के बीचों बीच है ये सेंटर, माता वैष्णो देवी भवन के बिल्कुल पास में, बिल्कुल आप बस स्टैंड के बिल्कुल नियर है। तो बाबा के बच्चों को सौगात है ये बाबा के घर की। यहाँ पे देखिए, आज फंक्शन, यहाँ पे भंडारा था, बाबा का ब्रह्मा भोजन था। तो ये देखिए, ये सेवा चल रही है, ये सेवा कर रहे हैं, खूबसूरती से सब सेवा कर रहे हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको छत पर, जहाँ पे प्रोग्राम था आज बाबा का, बाबा के झंडे का। देखिए अभी तो क्लोजिंग हो गया, तो ये यहाँ पे है, वो देखिए, वो है माता वैष्णो देवी की पहाड़ियाँ, त्रिकुटा हिल्स, माँ का भवन है उन पहाड़ियों पर। तो बस ये बिल्कुल सामने ही जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, पहाड़ियों के बिल्कुल बाबा के घर के सामने माँ की पहाड़ी है। तो आज यहाँ पर देखिए, ये बाबा के बच्चों की गाड़ियाँ हैं। तो ये बिल्कुल देखिए सजाया हुआ है, बिल्कुल मेन रोड, ये रेलवे स्टेशन से बिल्कुल पास ही है और बस स्टैंड से बिल्कुल पास है। रेलवे स्टेशन से कितना दूर है भैया? रेलवे स्टेशन से कितना दूर है ये? 1 किलोमीटर ना, नियर 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल पास है ये सेंटर बाबा का। तो बाबा के बच्चों को सौगात है, आप भी कभी आएँ तो अपने बाबा के घर में, अपने घर में ज़रूर पधारें। ये देखिए, तो बैकयार्ड में दिखाता हूँ मैं आपको बाबा का घर।
बहुत अच्छा सुंदर। अभी इन फ्यूचर और कंस्ट्रक्शन होगी यहाँ पे, अभी तो खाली बहनों के रहने के लायक अभी है, इन फ्यूचर और भी कंस्ट्रक्शन की। देखिए ये, देखिए ये हेलीपैड जो भी माता वैष्णो देवी में जब हेलीकॉप्टर से जो जाते हैं तो बिल्कुल हेलीपैड भी बिल्कुल पास ही है यहाँ पे। तो ये देखिए हेलीपैड से हेलीकॉप्टर जो है माता वैष्णो देवी के लिए ऊपर पहाड़ियों पे अर्धकुंवारी के लिए यहाँ से ही जाते हैं। तो ये बस बिल्कुल सेंटर के ही नियर अबाउट है, रेलवे स्टेशन, हेलीपैड, ये सब बाबा के घर के ही पास है। तो ये है कटरा के अंदर बाबा का घर, जो भी इन फ्यूचर आना चाहें तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसके बाद एक और बाबा का घर, एक बाबा की एक और जगह है, वहाँ पर भी आपको लेके चलूँगा। वो भी बिल्कुल कटरा यही सेंटर के बिल्कुल पास ही है, कोई 2-3 किलोमीटर और है। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है जहाँ पे इन फ्यूचर बहुत बड़ा सेंटर और बनेगा। वो है, अगर आपको मैं एक आइडिया दूँ तो वो है बिल्कुल श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ में ही है वो ज़मीन। उसको भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा की साइट पर जहां पे बाबा का नया घर बन रहा है। तो आप देखें मेरे पीछे माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियां हैं, वो माँ का दरबार वहां सामने पहाड़ियों पर है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वो जो पीछे पहाड़ियां दिख रही हैं वो माता का दरबार है वो पीछे पहाड़ियों पर। और ये देखिए अपोजिट में है, ये है बाबा का घर। ये देखिए बाबा का घर नई कंस्ट्रक्शन बन चुकी है, ये यहाँ पर कटरा के अंदर नियर माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल, जो नारायणा हॉस्पिटल है और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल पास है। इस एरिया का नाम है ककरियाल। आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत ही अच्छा बाबा का घर बनने जा रहा है। और ये देखिए मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ, ये एरिया जो है ये पूरा नीचे जो नदी सी दिख रही है आपको वहाँ पर, इससे ऊपर ऊपर ये सारा एरिया है वो बहुत आगे तक ऐसे ही है और ये सारा कवर होता है। ये देखिए ये जो जंगल दिख रहा है आपको छोटे, ये देखिए कंस्ट्रक्शन साइट पर ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर में आपको दिख रहा होगा, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। ये नीचे हॉल बनेगा इन फ्यूचर। तो ये देखिए यहाँ से देखिए अभी मौसम यहाँ पे देखिए कितना अच्छा हो चुका है, पहाड़ों का नज़ारा जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। देखिए माँ वैष्णो देवी की पहाड़ियों पर ये कटरा शहर बसा हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पिलरों पे कंस्ट्रक्शन साइट हो चुकी है। अभी देखिए ये हमारे वरिष्ठ भ्राता जी हैं, नहीं तो यहाँ पे देखिए लेंटर पड़ा हुआ है, अभी खुला नहीं है यहाँ पे, बाकी खुल चुका है, खुला ही हुआ है समझो, खुलने वाला है। तो ये देखिए ये फर्स्ट फ्लोर बना है, तो जस्ट हॉल ही अभी तो खुला है, इसके अंदर अभी क्या बनने हैं मुझे भी पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो देखिए आप, तो आज बाबा का झंडे का कार्यक्रम यहाँ पे भी रखा गया था, तो सब बाबा के बच्चे आए हुए हैं। तो यहाँ से भी देखिए कितना खूबसूरत दिखता है जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे, वो जो नीचे तक जो आपको झाड़ियाँ नीचे तक दिख रही हैं वो सूखे से ऊपर ऊपर, वही बाबा का वहाँ तक, ये जो है बाबा का ये इस जगह का एरिया है वहाँ तक। तो ये सारा दिख रहा है, ये आपको लग रहा होगा यार ये क्या है, जंगल है पहाड़ है, ये पहाड़ों में ऐसे ही ज़मीन होती है। और इसी में देखिए आपको जैसे मरुस्थल में सब कुछ हो सकता है तो यहाँ पे भी सब कुछ हो सकता है। तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में, ये अभी आपको ऐसा दिख रहा है नज़ारा। तो आसपास के घर देखिए कैसे हैं, तो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, ये सभी अपने आप में महान आत्माएं जहाँ पर जो कर कमलों से अभी ध्वजा लहराएंगे। डीडीसी साहब हमारे अभी बीच में और हमारे किसान मोर्चा के प्रधान, अदरवाइज और भी काफ़ी मुझे वहाँ पर इसे मिला। आप सभी के साथ हम यहाँ बार बार मिलेंगे, हर बार मिलेंगे और आने वाले समय में अभी आपके साथ टाइम भी टाई अप करेंगे, एक प्रोग्राम आपके किसानों के बीच में जहाँ हम स्वयं रखेंगे, उनमें से फिर उनकी इच्छा देखेंगे और उनको माउंट आबू तक भी लेकर के चलेंगे, ये आपके साथ हम संकल्प करते हैं यहाँ पर बैठ के। अब झंडा इधर ले आए हमारे भाई,
ओम शांति। अभी सभी यहाँ बाबा के घर की चाय बनी हुई होगी।